चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अडरवानी में सीमांकन के अभाव में पीएम आवास का हितग्राही नहीं ले पा रहे लाभ, टूटे फूटे कच्चे मकान में रहने को मजबूर। ग्राम पंचायत पांडरवानी में बड़ा ही मार्मिक मामला सामने आया है, जहां पर पांडरवानी निवासी सुल्ताना बेगम को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए प्रथम किस्त की राशि आ गई है। जहां योजना से राशि तो मिल गई, लेकिन अब भी वह टूटे फूटे कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। सुल्ताना बेगम ने बताया कि सीमांकन के लिए आवेदन किया गया, अधिकारियों की लापरवाही से आज दिनांक तक सीमांकन नहीं हो पाया है। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है और टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर है। उन्होंने तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाई है। आपका परिचय? मैं शाहना हंती वल्जमीरुद्दीन हंती, ये मेरी माता सुल्ताना हंती, इनके नाम की इंदिरा आवास की सूची आ चुकी है। 25,000 की पहली राशि, हमारा सीमांकन नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई करके हमको हमारे मकान की जगह और हमारे सीमांकन का नाप करा के दिया जाए। कब करवाना था आपके यहाँ का सीमांकन? हमारी सीमांकन की तारीख थी 19/6/2023। तो तहसीलदार साहब ने आदेश दे चुके हैं पटवारी साहब को, लेकिन वो किस कारण नहीं कर पा रहे, क्या दबाव है उनके ऊपर, क्या प्रेशर है, ये हम आप लोगों से अपील चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई की जाए और हमारे घर का सीमांकन करके दिया जाए। आपका परिचय? मैं शाहना हंती वल्जमीरुद्दीन हंती, ये मेरी माता सुल्ताना हंती, इनके नाम की इंदिरा आवास की सूची आ चुकी है। 25,000 की पहली राशि, हमारा सीमांकन नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई करके हमको हमारे मकान की जगह और हमारे सीमांकन का नाप करा के दिया जाए। कब करवाना था आपके यहाँ का सीमांकन? हमारी सीमांकन की तारीख थी 19/6/2023। तो तहसीलदार साहब ने आदेश दे चुके हैं पटवारी साहब को, लेकिन वो किस कारण नहीं कर पा रहे, क्या दबाव है उनके ऊपर, क्या प्रेशर है, ये हम आप लोगों से अपील चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई की जाए और हमारे घर का सीमांकन करके दिया जाए। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।